नमस्कार, मैं गायत्री अन्नपूर्णा रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं मूली का सलाद। उसके लिए मैंने थोड़ा अनार लिया है, चार हरी मिर्ची है और ये 2 इंच के करीब अदरक है और 3 मूली और 1 नींबू। अब इन्हें काट लेते हैं। हमें अदरक और मिर्च यही दो काटनी है बस। मूली को हमें कसना है, इसे ऐसे बारीक बारीक टुकड़ों में लंबा लंबा काट लेते हैं। अब हम इन्हें मिर्च को भी ऐसे बारीक बारीक काट लेते हैं। ऐसे करके हमें ये चारों मिर्च काट लेनी है। अब हम इस नींबू को भी काट लेते हैं, इसके बीज निकाल लेते हैं। अब हम इस नींबू को इसमें निचोड़ लेते हैं। हमें ये पूरा ही नींबू इसमें निचोड़ के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि इसमें हरी मिर्च में और अदरक में इसका नींबू का पूरा खटास आ जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल के रख देते हैं। नमक डाल के इसको थोड़ा ऐसे मिक्स करके हम इसे छोड़ देते हैं 15-20 मिनट के लिए। अब इसे मूली को हम कस लेते हैं। मूली हमें जो कसनी है वो इस मोटे वाले इसमें कसनी है। हमने अब इस मूली को सही से कस लिया है। अब इसके अंदर बहुत थोड़ा सा नमक डाल के हम इसे मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे। ताकि इसका जो सारा पानी निकल जाए। कम से कम इसे हमें जितनी देर ये भीगा हुआ है 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आइए इसे अब 20 मिनट के बाद देख लेते हैं। अब इसे मूली देखो, इसने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसे ऐसे निचोड़ लेते हैं। आपको मेरी अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सर्दियों के अंदर बच्चों को मूली जरूर खिलाएं, और अदरक जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। अदरक बच्चे खाएंगे तो वो सर्दी से भी दूर रहेंगे। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से खिलाएंगे ना तो वो मांग मांग के खाएंगे। इसको आप मूली का लच्छा भी बोल सकते हैं। ये देखिए, हमने सारी ये निचोड़ ली है, ये इसका बचा हुआ पानी है। अब इसको ऐसे सारे लच्छों को खोल लेते हैं। अब इसके अंदर ये डाल देते हैं मिर्ची और अदरक। इसको ऐसे सही से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये अनार भी मिक्स कर लेते हैं। आप इस तरीके से अगर बच्चों को बना के खिलाएंगे ना तो बच्चे डेली मांग मांग के खाएंगे और उनका हाजमा भी अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डाल लेती हूँ। ये देखिए, अभी हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम इस कंच की बोल में कर लेते हैं। जब भी आप इसे बनाएं तो कंच की बोल में ही करें। आप इस तरीके से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, और अपने बच्चों को सर्दी के अंदर ये लच्छा जरूर बना के खिलाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।